हेलो गाइस, तो कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ सब लोग एकदम बढ़िया होगे, मजे में होगे, टनाटन होगे और चसे ले रहे होगे। अच्छा जी, ये अब क्या बोलूं? और नीचे हमारे गेमिंग चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, तो उसको भी चेकआउट कर लेना। अच्छा जी, आज की वीडियो कैसे होने लगी है वजह, किस टाइप की होने लगी? आज की भाई वीडियो बहुत रिक्वेस्टेड है, बंदे गले पड़ रहे थे कि भाई क्यों नहीं बना रहा होने लगी है, कैसी होने लगी? वो तो है ही है, लेकिन भाई ये वीडियो बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहा था और मतलब बहुत गुस्सा भी हो रहे हैं, गुस्सा भी काफी लोग हो रहे हैं कि यार बनाओ। तो ले आया भाई जाट रेजिमेंट, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग। ये जाट रेजिमेंट है या जट रेजिमेंट है? जाट रेजिमेंट है या जाट रेजिमेंट? जाट है या जट, JUT? हाँ, JUTT होता है। हाँ वही ना। तो भाई ये जाट रेजिमेंट है, ठीक है, इस पे हम लोग रिएक्ट करते हैं, डिफेंस स्क्वाड की तरफ से वीडियो है, तो इनकी वीडियो तो होती ही दमदार है, हमारा फेवरेट चैनल। हाँ, फेवरेट है बिल्कुल। तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, करते हैं उसके बाद देंगे अपने रिव्यू। तो काउंट डाउन 1 2 3 एंड स्टार्ट। सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम आपको इंडियन आर्मी की सबसे पुरानी और मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट जाट रेजिमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं। So without wasting any time, begin. यार ये वाला म्यूजिक बहुत आला होता है। जाट रेजिमेंट इंडियन आर्मी की सबसे पुरानी इन्फेंट्री रेजिमेंट्स में से एक है, जिसे ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने 1795 में स्थापित किया था। मौजूदा समय में इंडियन आर्मी की जाट रेजिमेंट में टोटल 23 बटालियंस हैं और हर एक बटालियन में करीब 850 सोल्जर्स हैं। इस रेजिमेंट का रेजिमेंटल सेंटर बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसमें मुख्य तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के हिंदू जाटों की भर्ती। जाट रेजिमेंट में लगभग 96% जाट सोल्जर। अपने 200 से भी अधिक सालों के सर्विस में इस रेजिमेंट ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के साथ साथ कई सारे युद्धों में अपनी वीरता का परिचय दिया है। इस रेजिमेंट का वॉर कराया है जाट बलवान जय भगवान और इसका मोटो है संगठन व वीरता। इस रेजिमेंट के जाट वीरों ने अपने अदम्य साहस और शौर्यता से एक गौरवशाली इतिहास लिखा है और इसके सेंटर में स्थापित जाट म्यूजियम इसका गवाह है, जिसमें कई लड़ाइयों से संबंधित रिकॉर्ड है मेरे ख्याल से जंग में छीने गए अस्त्र शस्त्र भी मौजूद हैं। और आपको ये जानकर महसूस होगा कि जाट रेजिमेंट की सराहना पाकिस्तान के मेजर जनरल फैजल मुकीम खान ने भी की थी और भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने जाट सेंटर बरेली में भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जाटों का इतिहास भारत का इतिहास है और जाट रेजिमेंट का इतिहास भारतीय सेना का इतिहास है। पश्चिम में फ्रांस से पूर्व में चीन तक जाट बलवान जय भगवान का रणघोष गूंजता रहा है। अपनी स्थापना के बाद से इस रेजिमेंट को कई सारे गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें 2 अशोक चक्र, 35 शौर्य चक्र, 10 महावीर चक्र, 2 विक्टोरिया क्रॉस, 2 जॉर्ज सम्मान, 8 कीर्ति चक्र, 39 वीर चक्र और करीब 170 सेना मेडल शामिल हैं। हालांकि ये आंकड़े काफी पुराने हैं और इसलिए नए आंकड़ों के अनुसार जाट रेजिमेंट के पास इससे भी ज्यादा गैलेंट्री अवार्ड हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जाट रेजिमेंट इंडियन आर्मी की उन बहादुर रेजिमेंट्स में से एक है, जिसके वीर सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान देकर इस देश की और इस देश के नागरिकों की कई बार रक्षा की है और हम इन वीर सैनिकों के सुप्रीम सैक्रिफाइस के लिए सदा ऋणी रहेंगे। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। कैप बड़े मजे की है। कोई वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सॉरी डिस्क्रिप्शन में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये खत्म, यहाँ पे वीडियो खत्म। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो यार गाइस बहुत ही मतलब पुरानी है, वन ऑफ द मतलब ओल्डेस्ट, बिल्कुल मतलब इसके 200 साल से ऊपर हो चुके हैं। हाँ, 200 साल अंग्रेजों ने इसको बनाया था उस टाइम और ये अभी तक वही है और मतलब बहादुर है। बहादुर, इनकी बहादुरों की मिसालें दी जाती है, मतलब वो बता रहा था ना चीन ताक मतलब हर तरफ
इनकी बहादुरी की मिसालें दी जाती जार है। और तभी तो लोग हमें कंपोरा था कि इसमें ऐड करो, लोग कह रहे थे आप लोग जाट पर भी करो, सब पे हमने राजपूताना पे किया, गोरखा पे किया, तो उसके कमेंट सब में कह रहे थे जाट पर करो, तो हम फिर से सोचे जाट पर भी। और यार यकीन मानो मतलब के बहुत मतलब के जिस तरह के इन्होंने अवार्ड्स का जिक्र किया, इतने अवार्ड्स इन लोगों ने जीते हैं, इतनी बहादुर है मतलब के यार हर आर्मी जीती हुई है ना। और मतलब है इसका इतिहास कितना पुराना है, इतिहास मतलब हिस्ट्री बहुत पुरानी है, इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, मतलब 200 साल से ज्यादा हो गए हैं इसको सबसे पुरानी में है, वो कह रहे थे कि है। हाँ, तो यार काफी मतलब अच्छी मुझे लगी ये रेजिमेंट भी, और वही ना, और मतलब के वेपन्स वगैरह भी इनको न्यू दिए हुए, अच्छे दिए हुए हैं, मुझे पगड़ियां सर पे जो नहीं थी वो बड़ी मस्त, लोग बहुत लोग बहुत आला लगे, तभी तो इनको मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट कहा गया। तो फिर आज ही इतना ही, फिर इधर ही वीडियो करते हैं खत्म। जो वीडियो यूज किया उसका लिंक मिल जाएगा आपको, गेमिंग चैनल भी नीचे लिंक मिल जाएगा, तो चेकआउट कर लेना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, तो लाजमी करें कमेंट करके यार अपनी राय दिया करो कमेंट में, तो हम भी पढ़ते हैं कमेंट। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, नमस्ते एंड सत श्री अकाल।